अजय जी, करंट मार्केटिंग सीजन का पहला क्वार्टर लगभग समाप्त हो गया है। अब जनवरी से सेकेंड क्वार्टर शुरू होगा। खास तौर पे जो सबसे हॉट कमोडिटी है NCDX की, गंवार और गंवार गम, तो गंवार पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से बाजार करवट लेगा, रुख बदलेगा, क्या क्या मूवमेंट हो सकता है? नमस्कार कमल जी। बिल्कुल, अगर हम देखें फर्स्ट क्वार्टर जो रहा है गवार का, काफी शानदार रहा है। जैसे कि हम मार्केटिंग सीजन स्टार्ट होते ही हमने कहा भी था कि अराइवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो मार्केट में हलचल मची थी कि इस बार बम्पर स्विंग होगी, जिसके चलते हमारी भी उम्मीद थी कि प्राइजेस में थोड़ी सी ठहराव आएगी। तो अक्टूबर मंथ में जैसे हमने उम्मीद की थी, प्राइजेस 5100 से टूटकर, हमारा सपोर्ट था 4500 और प्राइजेस ने एग्जैक्टली 4550 तक का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। बट इसी बीच हमने देखा जो नंबर के एक्सपेक्टेशन थे उसमें भारी कमी आना चालू हो चुकी थी, क्योंकि अभी भी हम देखें तो पिछले 1.5-2 महीनों के अंदर कभी भी अराइवल्स मार्केट में उतने पिक नहीं किए जितने पिछले सालों में थे। तो हमें वहां से एक अच्छा जम मिला, और जैसे मैंने कहा भी था कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही प्रबल रहेंगे अक्टूबर के बाद, और नवंबर से मार्केट तेजी करेगा। तो हमने लगभग नवंबर में एक जबरदस्त तेजी गवार सीड और गवार गम में आते हुए देखा, जहां पे गवार सीड 6000 के ऊपर जाते हुए दिखाई दी और गवार गम भी 13200 के करीब जाते हुए दिखाई दी। अब अगला क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टाइम फिबो के हिसाब से अगर देखता हूँ, तो हमने कहा भी था कि 15 दिसंबर के बाद मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट फिर से स्टार्ट होगा। तो पिछले 4 दिन के ट्रेड सेटअप की अगर हम बात करें, तो हमने अपर सर्किट भी लगते हुए देखा, तो हमने लोअर सर्किट भी लगते हुए देखा। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कंटिन्यू बनी है, फंडामेंटल झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि पहले जैसे हमने 1 करोड़ के ऊपर की क्रॉप की जो एस्टिमेट्स देखी थी, वो कहीं ना कहीं अब धीमी पड़ती हुई जा रही है। अगर एवरेज आउट भी करें हम, तो हमें लगता है कि 75 से 80 का अगर बैंड आता है, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस अभी भी अंडर वैल्यू बने हुए हैं। क्योंकि फंडामेंटल साइड में अगर हम कंजम्पशन की बात करें, तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे जिस दिन से रुपए में गिरावट है। वहीं यूएस से 2-3 दिन पहले एक अपडेट ये भी आते हुए दिखाई दी कि 2023 के अंदर यूएस एनर्जी का नेट एक्सपोर्टर रहेगा, जिसका मतलब है कि यूएस को अपना प्रोडक्शन खुद का बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे कि हम जानते हैं, फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी के अंदर या सेल प्रोडक्शन के अंदर गवार गम का उपयोग काफी ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं गवार को इसका बूस्ट मिलेगा। वहीं दूसरी ओर गवार का जो कॉम्पिटिटर है वो है स्लीक वाटर। तो हम देख रहे हैं चाइना में जिस ढंग से कोविड के कंसर्न बने हुए हैं, और यूएस और चाइना के ट्रेड के अंदर खटास आई हुई है ट्रेड वॉर को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हम देखेंगे इंडिया को मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं पाकिस्तान की क्रॉप में भी हमने कुछ कमी आते हुए देखी है, क्योंकि पिछली बार ये साल हमने कुछ बरसातें एक्सट्रीम होते हुए देखी है। इसका सपोर्ट भी डोमेस्टिक प्रोडक्शंस पे भी, डोमेस्टिक डिमांड पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। रिसेशन की बातें हमने पिछले 6 महीने में काफी सुन ली है, बट अब कहीं ना कहीं इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, जिसके चलते हम देखेंगे फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री, यहाँ पे इसके कंजम्पशन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो एक तरफ फंडामेंटल काफी मजबूत है, वहीं टेक्निकल में भी हमने देखा जो एक ठहराव आना चाहिए था नवंबर की तेजी के बाद, वो लगभग आ चुका है। लेवल्स पे आपको नजर रखना है बिकॉज वॉलिटिलिटी ज्यादा है। तो हमें लगता है कि प्राइजेस में गवार सीड 5550 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर ये 6250 का लेवल वीकली बेस पे तोड़ के होल्ड करता है, तो हमें लगता है 6800 का पहला लेवल और 7100 का दूसरा लेवल रहेगा। बट इस लेवल को आने में महीना भर लग सकता है, मतलब जनवरी एंड तक हम ये लेवल देख पा रहे हैं। वहीं गवार गम की अगर बात करें, तो वॉलिटिलिटी तो काफी एक्सट्रीम है, 12000 तक के भी सपोर्ट हम देख पाएंगे, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। बट नई तेजी के लिए 13250 के ऊपर होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। 13250 के ऊपर तोड़ने पे हम 14200 से 14500 तक का लेवल इनिशियली देखेंगे, क्योंकि इसके अगर चार्ट्स की बात करें तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है जो 16.5 तक के भी टारगेट दिखा रहा है, बट फेज मैनर में जाएंगे जो मार्च तक दिखा सकता है। अंत में अगर हम रेशियो की बात करें, तो गवार गम गवार सीड के रेशियो में 2 के ऊपर वेल मेंटेन है। 2 के ऊपर रेशियो मेंटेन होने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल डिमांड मेंटेन है, जिसकी वजह से गवार गम गवार सीड के मुकाबले ज्यादा तेज है, जो माना जा रहा है कि 245 से लेकर 250 तक के लेवल हम रेशियो में देख पाएंगे। इसका मतलब है गवार गम गवार सीड से ज्यादा चंचल और रिटर्न अच्छा बनाता दिखाई देगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए।